चैनल और जितेंद्र गुलाटी प्रस्तुत अरविंद अकेला कल्लू और यामिनी सिंह के शानदार अभिनय से सजी भोजपुरी फिल्म विजेता पूरे भारत में नवंबर महीने में प्रदर्शन के लिए तैयार है। फिल्म का टीजर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों ने खासा पसंद किया था। बहुत जल्द इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अरविंद अकेला कल्लू की ये फिल्म सुपरस्टार खेसारी लाल की फिल्म भाग खेसारी भाग से मिलती जुलती है। जी हाँ, विजेता फिल्म के टीजर में जहां कल्लू एक खिलाड़ी का किरदार निभाते नजर आए, तो वहीं खेसारी लाल भी अपनी फिल्म भाग खेसारी भाग में एक खिलाड़ी के किरदार में ही नजर आ रहे हैं। आज से खेसारी की फिल्म रिलीज हो गई है, जिसे दर्शक पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब कल्लू की फिल्म रिलीज होगी तो दर्शक क्या राय देते हैं। बहरहाल, इस फिल्म में युवा दिलों की धड़कन सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू रोमांटिक भूमिका में नजर आएंगे यामिनी सिंह के साथ। इस फिल्म में सिने तारिका कन्ने पांडे भी जलवा बिखेरती नजर आएंगी। बता दें कि फिल्म का टीजर काफी पसंद किया गया था, जो कि सिर्फ एक झलक था। ये साबित कर दिया कि वाकई ये फिल्म भव्य पैमाने पर काफी बेहतरीन बनाई गई है, क्योंकि इसका निर्देशन पराग पाटिल के स्टाइल में हुआ है। सिनेमा को एक नई दिशा की ओर ले जाने में अग्रसर साबित होगी ये फिल्म, ऐसा फिल्म मेकर्स का मानना है। जिस तरह से भोजपुरी सिनेमा को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं, उनका जवाब ये फिल्म अवश्य देगी। अब भोजपुरी फिल्मों में काफी बदलाव हो रहा है। ये फिल्म बहुत धमाल मचाने वाली फुल एंटरटेनिंग पारिवारिक फिल्म है। खेलकूद पर आधारित ये फिल्म दर्शकों के लिए काफी ताजा तरीन विषय है, जो कि भरपूर फुल एंटरटेनमेंट करने वाली है। फिल्म के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं, फिल्म के निर्देशक पराग पाटिल हैं, लेखक राकेश त्रिपाठी हैं, संगीतकार श्याम देहाती और आजाद सिंह हैं। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।